तो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। ये व्लॉग नहीं होने वाला है, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ पारुल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के बारे में। आपके बहुत सारे कमेंट आते थे कि भाई पारुल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का फीस क्या है, फैसिलिटीज क्या है, क्या वाईफाई मिलता है, कितना स्पीड है। आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए, तो मैंने आज सोचा कि आपके लिए एक अच्छा सा एक वीडियो छोटा सा बना देते हैं कि आपको सहूलत रहे, आपको एक आसानी रहे हॉस्टल के बारे इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो गाइस आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको जब आप पारुल यूनिवर्सिटी में आते हो तो फर्स्ट प्रोसेस क्या रहता है, उसके बाद फीस क्या है, उसके बाद आपको फैसिलिटीज क्या मिलती है, और आखिरी में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हॉनेस्ट रिव्यू, मैंने मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस आपको बताने वाला हूँ कि क्या आपको पारुल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना है, एक भी चीज को मिस नहीं करना है एंड भगा भगा कर नहीं देखना है, क्योंकि आप छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन मिस कर जाओगे। तो चलो ये वाले ब्लॉग को, ये वाले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं, पहले सबसे पहले जब आते हो कॉलेज में तो आपको प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ये है, जब आप भी कॉलेज में आते हो तो मैनेजमेंट की तरफ से आपको एक बंदा प्रोवाइड किया जाएगा या बंदी प्रोवाइड की जाएगी, वो आपको सब कुछ बताएगी, मतलब हॉस्टल क्या है, कितने हॉस्टल है, कौन कौन से हॉस्टल की सुविधाएं क्या क्या है, फीस क्या क्या है, सब कुछ बताया जाएगा। उसके बाद आपको चूज करना होगा एक हॉस्टल को, और उसके बाद आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिपॉजिट भरना होगा। अगर आपने नॉन एसी हॉस्टल को चूज किया है तो डिपॉजिट का अमाउंट है 5,500 रुपया। अगर आपने एसी बुक किया है, एसी हॉस्टल को चूज किया है, तो आपका डिपॉजिट अमाउंट है 22,000। जब आप हॉस्टल लीव करते हो तो ये अमाउंट पूरा आपको मिल जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिपॉजिट भरने के बाद आपको फीस भरनी रहती है। तो कौन कौन सी हॉस्टल है मैं आपको एक बार बता दूं। बॉयज में बहुत सारी हॉस्टल है, जैसा कि टागोर भवन, कलाम भवन, सरदार भवन, अटल भवन, मिल्का भवन, आजाद भवन, तिलक भवन एंड ध्यान भवन। एंड गर्ल्स में भी बहुत सारे हॉस्टल है, सरोजिनी भवन, टेरेसा, इंदिरा, जानकी भवन, कल्पना भवन, सावित्री भवन एंड शकुंतला भवन। ये सारे न्यू कमर्स हॉस्टल है। तो गाइस मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन 23-24 की बता रहा हूँ, तो आप नोट कीजिएगा उसको 23-24। अभी आते हैं हम लोग हमारा दूसरा पॉइंट फीस के बारे में, कि हॉस्टल का फीस क्या है। तो मैं आपको हॉस्टल के फीस के बारे में बता दूं, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए दोनों के लिए मिनिमम हॉस्टल फीस है 76,000 पर ईयर पर पर्सन, एंड मैक्स टू मैक्स फीस है 1,27,000 बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए। ये एसी वाला रूम आएगा, ये फीस अकॉर्डिंग टू रहते हैं, 85,000 भी है, 84,000 भी है, 90,000 भी है, 94 भी है। ये अकॉर्डिंग टू फैसिलिटी रहते हैं, अटैच वॉशरूम, विदाउट वॉशरूम। कुछ हॉस्टल रहते हैं शेयरिंग में रहते हैं, कुछ हॉस्टल में कॉमन वॉशरूम रहता है, कुछ हॉस्टल में 3 लोग रहते हैं, कुछ हॉस्टल में फ्लैट टाइप का हॉस्टल रहता है, उसमें 9 लोग साथ में रहते हैं। तो ये सारे डिफरेंट टाइप के हॉस्टल है। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप जब भी हॉस्टल चूज करें तब आप ऑफलाइन आके हॉस्टल चूज कीजिएगा, ऑनलाइन हॉस्टल मत चूज कीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी डाउट्स रहते हैं, बहुत सारे परेशानी आती है। तो आप जब भी आए तो हॉस्टल ऑफलाइन ही चूज कीजिए, और आपको सब कुछ दिखाया जाएगा कि हॉस्टल में क्या फैसिलिटीज है, उसके बाद चूज कीजिएगा। अभी हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट ये है कि फैसिलिटीज क्या है। जब आप हॉस्टल में एडमिशन लेते हो तो आपको पहले प्रोवाइड की जाएगी हॉस्टल किट। हॉस्टल किट में क्या होता है, बाल्टी रहती है, बकेट रहता है, कंबल भी रहता है, पिलो भी रहता है, टूथपेस्ट भी रहता है, उसके बाद आपको ब्रश भी दिया जाता है, एंड की लॉक की भी दी जाती है आपको। ये सारा बेसिक जो नीड है आपको दिया जाता है। तो गाइस आप ये सब कुछ घर से लेके मत आइएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे सब कुछ मिलता है। फैसिलिटीज में 24 आवर्स वाईफाई रहते हैं, उसके बाद लॉन्ड्री, हफ्ते में 2 बार लॉन्ड्री आती है, उसके बाद आपको मेस में 3 टाइम खाना मिल जाता है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना एंड रात का खाना मिल जाता है, एंड ये सारी फैसिलिटीज है हॉस्टल की। फिर आखिरी पॉइंट जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार होगा कि क्या आपको हॉस्टल में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। मैं हॉनेस्टली बताऊं, मैंने 3 साल हॉस्टल में रहा हूं, अभी मैं बाहर सिटी में रहने के लिए गया हूं, उसके भी बहुत सारे रीजन है जो भी है, लेकिन मैं आपको हॉनेस्टली बताऊं, आपको अगर आप न्यू कमर्स हो तो आपको हॉस्टल में रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए, क्योंकि आपके जो रूम में डिफरेंट फैकल्टीज के लोग होंगे, डिफरेंट टाइप्स के लोग होंगे,
आप सबसे मिलेंगे, आपकी कम्युनिकेशन बढ़ेगी, आप दूसरे एक दूसरे को जान पाओगे, आपके कॉन्टेक्ट भी बढ़ेंगे। मैं हॉस्टल में रहा, मैंने बहुत सारे कॉन्टेक्ट किए। अगर आप नए हो तो आपको हॉस्टल में रहना चाहिए, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। मैं 3 साल हॉस्टल में रहा, बहुत कुछ सीखा हूँ। हॉस्टल में एक बार तो रहना ही चाहिए, मेरा पर्सनल व्यू, एक बार तो रहना ही चाहिए। मैंने हॉस्टल की लाइफ को जिया, बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। घर को छोड़ के कैसे हॉस्टल में रहा जाता है, घर की कैसी याद आती है, सब लोग दोस्त के मिल के बात करते हैं कि उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, हमारी क्या प्रॉब्लम है, सबका मिल के सॉल्यूशन लाना। अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा, बहुत मजा आया। तो मैं आपको ये बता दिया कि हॉस्टल में फीस क्या है, फैसिलिटीज क्या है, उसके बाद आपको हॉनेस्ट रिव्यू भी दे दिया कि आपको क्या हॉस्टल में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आपके ऑलमोस्ट सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जो भी चाहते हो कर दो, फोड़ दो लाल लाल बटन को, उसको फोड़ दो, जो भी करना है कर दो। थैंक यू सो मच।